हमारे चैनल में आपका खैर मकदम। मेरा नाम अली वारिस है। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौजूदात पे बात करते हैं और इसकी शुरुआत हम एक शेर से करते हैं और इसका अख्तिताम एक लतीफ़े से। आज का शेर फैज़ अहमद फैज़ का मशहूर शेर है। कई बार इसका दामन भर दिया हुस्न दो आलम से, कई बार इसका दामन भर दिया उसने दो आलम से, मगर दिल है कि इसकी खाना वीरानी नहीं जाती। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसे अजीम गीतकार से मुतारिफ कराएंगे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बहुत बड़ा गीतकार रहा, लेकिन इसके बावजूद उसको बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप किसी का शेर सुनते हैं तो फौरन पूछते हैं, ये किसका शेर है, किसने कहा इतना खूबसूरत शेर? लेकिन आप जब किसी का गाना सुनते हैं, किसी गीत लिखने वाले का, गीतकार का, तो आप कभी नहीं पूछते हैं कि ये लिखा किसका है, या बहुत कम लोग हैं जो पूछते हैं। हुआ यूँ कि मैं ये गाना सुन रहा था, आज जाने की ज़िद ना करो। ये इतने अरसे से इतना मकबूल है गाना, इसको हर एक ने गाया है, क्या एमेचर सिंगर्स, क्या प्रोफेशनल सिंगर्स, क्या छोटे क्या बड़े, हिंदुस्तानी सिंगर्स, पाकिस्तानी सिंगर्स, स्टेज पे होने वाले प्रोग्राम, प्राइवेट महफिलों में होने वाले प्रोग्राम, हर एक ये गाता है, आज जानने की ज़िद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। मुझे ख़्याल हुआ ये इतना मकबूल गाना और बरसाहा बरस से ये गाना गाया जा रहा है, लेकिन ये लिखा किसने? तो पता चला कि ये फैयाज़ हाशमी का लिखा हुआ गाना है। मुझे अपना बचपन याद आ गया। और ये याद आया कि ये गीत, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, ये तेरी तरह मुझसे तो शर्मा न सकेगी, बहुत मशहूर गीत था उस ज़माने में। ये लिखा था फैयाज़ हाशमी ने, इसके गुलूकार थे तलत महमूद। जो लोग हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि तलत महमूद का शुमार चोटी के गुलूकारों में होता था। उस ज़माने में इंडिया के जो चार पांच गुलूकार थे, मोहम्मद रफ़ी, हेमंत कुमार, मन्ना डे, मुकेश, वो किशोर कुमार, उनमें से तलत महमूद का शुमार भी बहुत बड़े गुलूकारों में होता था। उस वक्त फैयाज़ हाशमी की उम्र कुल 24 साल की थी जब उन्होंने ये गीत लिखा। तलत महमूद की उम्र 22 साल की थी। तो आप ये देखिए कि इतनी कम उम्री में
इन दोनों ने मिल के कैसा खूबसूरत गीत लिखा जो कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हुआ, बिल्कुल आग की तरह फैल गया था ये, और ऑल इंडिया रेडियो से और रेडियो के दूसरे प्रोग्रामों में हर वक्त ये बजता रहता था और लोग इसकी फरमाइश करते रहते थे। आज ये तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। उसी ज़माने में एक और गीत बड़ा मशहूर हुआ जो पंकज मलिक ने गाया, ये रातें ये मौसम ये हंसना हंसाना, हमें भूल जाना इन्हें ना भुलाना। फिर एक गीत पाकिस्तानी सिंगर एसबी जॉन ने गाया, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है हंसी है। कुछ अरसे बाद एक पाकिस्तानी फिल्म का गाना, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, ये गीत इतना मशहूर हुआ कि इसके बनने के 30 साल के बाद हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने ये गीत चुरा लिया थोड़े बहुत अल्फाज इधर उधर करके, और इसी धुन में लता मंगेशकर ने गाया। ये सारे गीत एक शख्स ने लिखे, वो थे फैयाज हाशमी। फैयाज हाशमी कलकत्ते में पैदा हुए, वो उनके वालिद मोहम्मद हुसैन हाशमी जो दिलगीर तखल्लुस करते थे वो भी कलकत्ते के थे, और वो ख़ुद एक बहुत बड़े गीतकार थे अपने ज़माने के, वो ड्रामा नवीस भी थे, उनकी अपनी थिएटर की कंपनी थी। तो उस माहौल में फैयाज हाशमी पले बढ़े। मुझे कहते हैं कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, यानी कोई बहुत होनहार आदमी जो होता है वो बचपन से उसका हुनर नज़र आने लगता है, यही बात फैयाज हाशमी की थी। आप सोचिए कि वो जब सातवीं क्लास में थे, सेवेंथ ग्रेड में, उस वक्त उन्होंने एक शेर कहा, चमन में गुंचो गुल का तबस्सुम देखने वालो, कभी तुमने हंसी कलियों का मुरझाना भी देखा है। ये फैयाज हाशमी का बहुत कम उम्र का शेर था। उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि शख्स बड़ा होके क्या नहीं बना होगा। उनका 24 साल की उम्र में मजमूआ छपा, शायरी का मजमूआ राग रंग, जिसको देखकर उस वक्त के शायर, बहुत बड़े शायर काजी नज़रुल इस्लाम, जिनकी हैसियत बंगाल में वही थी जो अल्लामा इकबाल की, सर इकबाल की पाकिस्तान में थी, काजी नज़रुल इस्लाम ने कहा कि मुश्किल अल्फाज को आसान करके कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम तो मन में डूब कर मन का भेद निकालते हो। ये काजी नज़रुल इस्लाम ने फैयाज हाशमी से कहा। फैयाज हाशमी 1943 में, 43 में ढाके की एक ग्रामोफोन कंपनी जो कि अंग्रेज़ों की कायम की हुई थी उसमें मुलाजिम हो गए, और उस कंपनी का जो प्रोडक्शन था रिकॉर्ड्स बनाने का वो बहुत बढ़ गया उनके जाते ही। फिर वो उसी कंपनी की ढाका ब्रांच में चले गए और 1951 तक उसमें रहे। 51 में वो लाहौर आ गए और लाहौर में अपनी ज़िंदगी के बेशतर दिन गुजारे। अब तक तो वो प्राइवेट गीत लिखते थे,
जिस जो इंडिया में बहुत बड़े बड़े गुलकारों ने गाए, मसलन हेमंत कुमार ने उनके कई गीत गाए, जगमोहन ने उनके गीत गाए, तलत महमूद ने उनके और बहुत से गीत गाए। 1956 से उन्होंने फिल्मी गीत लिखना शुरू किए, जिसमें सबसे पहला गीत उनका एक फिल्म कुंवारी बेवा के नाम कुंवारी बेवा में गाया गया। उनकी जिंदगी बहसियत गीतकार गुजरी, लेकिन उन्होंने बहुत सी फिल्में भी बनाईं, फिल्मों के डायलॉग्स लिखे, फिल्मों की कहानियां लिखीं, जिनकी फहरिस्त आपको इस प्रोग्राम के आखिर में उनके गीतों के साथ नज़र आएगी। उनके गीत हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े सिंगर्स ने गाए, मसलन हिंदुस्तान में जैसा मैंने कहा अभी पंकज मलिक ने उनका गीत गाया। पंकज मलिक खुद बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और उस वक्त जायंट थे, वो उनसे बड़ा कोई नहीं था। वो अपने गीत लिखते थे, अपने गीतों की धुनें बनाते थे और अपने गीत गाते थे। वो इतने बड़े थे कि उन्होंने सहगल को इंट्रोड्यूस किया, सहगल को ऑडिशन किया और सहगल को सामने वही लाए। तो पंकज मलिक ने फैयाज हाशमी का गीत गाया, ये रातें ये मौसम ये हंसना हंसाना हमें भूल जाना इन्हें ना भूलाना। फैयाज हाशमी 1997 तक लाहौर में रहे और फिर वो कराची आ गए। कराची में उन्होंने गीत लिखना बहुत कम कर दिए, वो सूफ़ी हो गए थे, किसी बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग के मुरीद हो गए थे और इस तरह 2011 में उनका इंतकाल हुआ 91 साल की उम्र में। लेकिन हैरत ही होती है कि उनको बहुत कम लोग जानते थे, इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बाद, इतने बड़े फनकार होने के बावजूद वो बेशतर ज़िंदगी गुमनामी में रहे। चलिए उनके कुछ गीत हम देखते हैं कि ये गीत ऐसी सरसरी तरीके से लिखे गए थे या इनमें कुछ गहराई थी। तो उनके गीतों के कुछ नमूने लेके उसके अंदर झांकते हैं, आप देखेंगे कि ये कितने मानी खेज गीत थे, कितने मीनिंगफुल थे। मसलन पहला गीत जो मशहूर हुआ, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, वो कुछ यूँ है, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, ये तेरी तरह मुझसे तो शर्मा न सकेगी। यानी शायर जो है वो महबूब का मुकाबला कर रहा है उसकी तस्वीर से, कि क्या ये तस्वीर वही है, क्या इसमें वही जज्बात हैं, इसमें वही अदाएँ हैं जो महबूब में हैं। तो वो कहते हैं कि तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, ये तेरी तरह मुझसे तो शर्मा न सकेगी, मैं बात करूँगा तो ये खामोश रहेगी, सीने से लगा लूँगा तो ये कुछ न कहेगी, आराम वो क्या देगी जो तड़पा न सकेगी। आप देखिए कि इसमें किस तरीके से उन्होंने बताया है कि तस्वीर एक बेजान चीज़ होती है, इसमें कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं, कोई अदाएं नहीं होती हैं, और महबूब का सही रिफ्लेक्शन, महबूब की सही अक्कासी तस्वीर नहीं कर सकती है। ये आँखें हैं ठहरी हुई चंचल वो निगाहें, ये आँखें हैं ठहरी हुई चंचल वो निगाहें, ये हाथ हैं सहमे हुए और मस्त वो बाहें, परछाई तो इंसान के काम आ न सकेगी। इन होठों को फैयाज मैं कुछ कह न सकूँगा, इस जुल्फ को मैं हाथ में भी ले न सकूँगा,
इस जुल्फ को मैं हाथ में भी ले न सकूँगा, खुलजी हुई रातों को ये सुलझा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। इसमें एक बात मैं बताता चलूँ कि ये जो है कि इन होठों को फैयाज मैं कुछ कह न सकूँगा, ये जो 1944 में रिकॉर्ड हुआ उसके अल्फाज हैं, लेकिन फैयाज हाशमी ने बाद में इसमें इस्लाह की और कहा कि इन होठों को फैयाज मैं कुछ दे न सकूँगा, और तलत महमूद से कहा कि आइंदा आप कभी भी गाएं तो बराए मेहरबानी ऐसे गाइए कि इन होठों को फैयाज मैं कुछ दे न सकूँगा। तो फिर उसके बाद जब 1960s में ये रिकॉर्ड बना तो इसी तरह से गाया गया, वो भी तलत महमूद ने गाया कि इन होठों को फैयाज मैं कुछ दे न सकूँगा, जो कि ज़्यादा मीनिंगफुल है। इसी तरह उनका जो दूसरा गीत है ये रातें ये मौसम ये हंसना हंसाना, ये देखिए आप इसमें जो इमेजरी है, इसमें जो सीन खींचा है उन्होंने, ये जो एक आपको तसव्वुराती दुनिया में ले गए हैं वो कितनी खूबसूरत है। ये रातें ये मौसम ये हंसना हंसाना, मुझे भूल जाना इन्हें ना भुलाना, ये बहकी निगाहें ये बहकी अदाएँ, ये बहकी निगाहें ये बहकी अदाएँ, ये आँखों के काजल में डूबी घटाएँ, चमन में जो मिलके बनी है कहानी, चमन में जो मिलके बनी है कहानी, हमारी मोहब्बत तुम्हारी जवानी, ये दो गर्म सांसों का एक साथ आना, ये दो गर्म सांसों का एक साथ आना, ये बदली का चलना, ये बूंदों की रिमझिम, ये मस्ती का आलम, ये खोए से हम तुम, तुम्हारा मेरे साथ ये गुनगुनाना, मुझे भूल जाना इन्हें ना भुलाना। ये मंजरकशी है, ये एक सीन खींचा गया है। इसी तरीके से ये जो गाना है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, आज जाने की ज़िद ना करो, इसके अल्फाज देखिए कि आज जाने की ज़िद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, तुम ही सोचो ज़रा क्यों ना रोकें तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की ज़िद ना करो। अब देखिए जो एक ज़िंदगी का फ़लसफ़ा होता है कि हम किस लिए जी रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और इस बाबत वो कहते हैं कि जो इंसान एक हम आप एक ज़िंदगी के कारोबार में उलझे रहते हैं, कोई वक्त हमको नहीं मिलता है कि हम अपनी खुशी की चीज़ें करें, बहुत कम वक्त इसमें हम गुजारते हैं कि जिस चीज़ से हमको लुत्फ़ आता है, जिस चीज़ में लुत्फ़ आता है उसमें हम मसरूफ़ रहें या उसको हम एंजॉय करें। तो कहते हैं कि वक्त की कैद में ज़िंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आज़ाद हैं, कि जो हमारा और उसका मिलना है, उसका जो साथ है जो वसल है, यही घड़ियां हैं जो आज़ाद हैं, इनमें कोई पाबंदियां नहीं हैं, कोई मजबूरियां नहीं हैं, और ये हमारे लिए बायस से मसर्रत हैं, चंद घड़ियां यही हैं जो आज़ाद हैं, इनको खोकर ऐ जान जा उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की ज़िद ना करो। ये इतने मीनिंगफुल गाने हैं, इतने मानी खेज़ हैं, अब इस तरह के गाने बहुत कम लिखे जाते हैं। तो इस प्रोग्राम को करने का मकसद यही है, जो इनके गानों का तारुफ कराने का मकसद यही है कि ये गाने ख़त्म ना होने पाएँ, इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ती रहे, नए गुलूकार जो हैं
जैसे कोक स्टूडियोज़ वगैरह है जिसमें पुराने गाने गाए जा रहे हैं, ये लोग फिर से ये गाने गाएं, मुख्तलिफ धुनों में गाएं, लेकिन अल्फाज यही रहें। इस प्रोग्राम के आखिर में हम एक फहरिस्त दे रहे हैं इनके गानों की जो मुख्तलिफ गुलूकारों ने गाए हैं, और जो तकरीबन सभी गाने YouTube पे मौजूद हैं। आप उनके अल्फाज अगर YouTube में सर्च करें और गुलूकारों का नाम लिखें उसमें, तो वो गाने आ जाएंगे और आप उनको सुन सकते हैं, उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आज का लतीफ़ा कुछ यूँ है कि एक बड़ी उम्र के साहब थे, ज़्यादा उम्र के, उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने बड़ी खुशी मनाई, पूरे शहर को मधु किया। कहा जाता है कि 300 बटेरें कटवाईं। मुश्ताक अहमद यूसफी जो उर्दू के मज़ा निगार हैं, उन्होंने सुना तो कहा कि लगता है इनको खुशी से ज़्यादा बच्चे की पैदाइश पे ताज्जुब है। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।